नमस्कार आदाब, न्यूज 5 एम जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। जमशेदपुर के सकची आमबगान मस्जिद के पास स्थित कैंपस अड्डा नामक रेस्टोरेंट में सोमवार को अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना राज्य अग्निशमन विभाग को दी गई, किंतु अग्निशमन विभाग की दमकल पहुँचने से पूर्व ही रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने वहाँ मौजूद अग्निशमन यंत्रों की मदद से आग पर काबू पा लिया। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को सकची आमबगान के पास स्थित रेस्टोरेंट कैंपस अड्डा में कर्मचारी किचन में गैस का सिलेंडर लगा रहे थे, किंतु सिलेंडर का सेफ्टी कैप खुलते ही तेजी से गैस निकलने लगी। पास में जल रहे चूल्हे के कारण गैस में आग लग गई। इस हादसे से वहां अफरा तफरी मच गई, कर्मचारी इधर उधर भागने लगे। इसी बीच किसी ने अग्निशमन विभाग को आग लगने की सूचना दे दी। हालांकि कर्मचारियों ने भी रेस्टोरेंट में मौजूद अग्निशमन यंत्रों की मदद से आग बुझाना शुरू कर दिया एवं अग्निशमन विभाग की दमकल पहुंचने के पहले ही कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। अग्निकांड में कोई जख्मी नहीं हुआ है, हालांकि इस दौरान रेस्टोरेंट के कई सामान जल गए हैं। वहीं घटना स्थल पर पहुंचे अग्निशमन विभाग के कर्मचारी विजय कुमार दुबे ने बताया कि उन्हें आम बगान के पास आग लगने की सूचना मिली थी, लेकिन उनके टीम के घटना स्थल पर पहुंचने से पहले ही रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने अपने अग्निशमन यंत्रों की मदद से आग पर काबू पा लिया। वही इस घटना के बारे में रेस्टोरेंट के मालिक सैयद आसिफ ने दी जानकारी। रेस्टोरेंट के किचन में गैस सिलेंडर जब चेंज किया जा रहा था, तो नया गैस सिलेंडर जब लगाया जा रहा था, उसका जैसे सिक्योरिटी कैप निकाले गया तो वहाँ से गैस डायरेक्ट फ्लो होने लगा। तो पहले से जो चूल्हा जल रहा था और ये गैस जो फ्लो किया, तो पहले की आग से ये गैस जो है आग चल रही है, उसी में जो है ग्राहक में बैठे उतरा था। नहीं, ये तो किचन में कैसे ग्राहक रहेंगे, किचन तक ही आग रहेगी। हाँ, किचन ही तक रह गया। नुकसान वैसे जो है कोई मतलब इंसान को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, कुछ पैसों का नुकसान हुआ है जो उसके बाद में पता चल पाएगा, अभी तो पता लगाना मुश्किल है। जब ये पूरा जिस बिल्डिंग फ्लोर पे आपका किचन चलता है वो आप किराए पे है या ऑनर है? नहीं, हम बिल्डिंग के ऑनर हैं। बिल्डिंग में फायर का एजेंसी है? जी, एजेंसी है। और इसके बाद इसके अलावा जो है हमारे पास फायर का जो है सब कुछ इक्विपमेंट है ऑलरेडी, जो है हम लोगों ने पहले ही कंट्रोल मुश्किल से 10 मिनट में कंट्रोल कर लिया। पहले से हमारे पास जो है 10 जो है फायर एक्सटेंशन के सिलेंडर हैं, जिसमें से इसमें अभी 7 लगा है, इसमें इस कारण ये बुझ पाया। दमकल कितने देर में पहुँचे? दमकल मैं नहीं बोलूँगा कि वो देरी से आए हैं, वो एकदम सही समय से आए हैं, मगर हम लोगों के जो अगल बगल पड़ोसी है सभी के जो मेहनत से जो है ये दमकल के आने से पहले पहुंच चुका था। हाँ, मगर वो गलत नहीं बोलूंगा कि वो गलत देरी पहुंचे, तुरंत पहुंच गए और उससे पहले ही हम लोगों ने आग पर कंट्रोल किया। कोई घायल नहीं हुआ? कोई घायल नहीं हुआ। कितने का नुकसान हुआ? नुकसान अभी बताना मुश्किल है, ये तो बाद में बता सकते हैं। सैयद आसिफ जी, रेस्टोरेंट का नाम क्या? कैंपस अड्डा।